लग रही है ना बिल्कुल बाजार जैसी कॉफी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुजाता एंड वेलकम टू माय किचन डिलीशियस मैजिकल फूड। आज मैं आपके साथ 3 कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से 5 मिनट में ये तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है, जब हम कोल्ड कॉफ़ी बनाएंगे तो ग्लास को हम डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले आप चॉकलेट सिरप लेके और ग्लास के चारों तरफ हल्का हल्का सा रोटेट करते हुए ऐसे कर लीजिए। ये ऑप्शनल है, अगर है तो आप करिए, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। पर अगर आप ऐसे डेकोरेट करके देंगे तो वो लुक वाइज बहुत ही अच्छा लगता है, देख के बहुत सुंदर लगता है। ग्लास में हमने चॉकलेट सिरप लगा दिया है। अब इस ग्लास को हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि हमने जो चॉकलेट लगाया है वो अच्छे से सेट हो जाए। ये 4 टेबलस्पून मैंने कॉफ़ी लिया है, इसमें हम गर्म पानी डाल के इसको अच्छे से घोलेंगे। गर्म पानी इसलिए डालेंगे ताकि हमारी कॉफ़ी जल्दी से अच्छे से मिक्स हो जाए, घुल जाए। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से ये घुल गई है। मैं ये जो कॉफ़ी मैंने मिक्स की है गर्म पानी में वो डाल देंगे और उसके साथ हम 4 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे, 4 टेबलस्पून शुगर। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ हम दूध ऐड करेंगे। ये लगभग मैंने 2 ग्लास के लगभग मैंने इसमें दूध ऐड किया है और हल्की सी मैं इसमें मलाई भी मिक्स कर रही हूँ ताकि हमारा जो कॉफ़ी है कोल्ड कॉफ़ी वो थोड़ा क्रीमी बने। और इसके साथ हम थोड़े से आइस क्यूब्स भी ऐड करेंगे। यही 2 चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखें कोल्ड कॉफ़ी में, कि एक तो दूध आपका बहुत ही ठंडा हो और साथ में आइस क्यूब भी डालें ताकि जो झाग बने, जो फ्रॉथिंग हो वो बहुत ही अच्छी हो। अब हम इसे मिक्सी में चर्न कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा झाग बना है। अब हम इसको ग्लास में डालेंगे। और ऊपर से ये जो झाग बना है इसमें ग्लास में हम इसको पोर करेंगे। बिल्कुल लग रही है ना ये मार्केट जैसी, कैफ़े जैसी कॉफ़ी। अब हम आइसक्रीम के साथ दूसरी कॉफ़ी बनाएंगे। अब उसी कॉफ़ी मिक्स में हम 2 टेबलस्पून आइसक्रीम ऐड करेंगे। ये नॉर्मल जो कप वाली 10 रुपये वाली आइसक्रीम आती है वो इसमें डालेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी ब्रिक खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर हम एक बार मिक्सी में इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आइसक्रीम डाल के मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे ग्लास में पोर करेंगे, डालेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा झाग बना है इसमें, और वो भी हम इसे ग्लास में डालेंगे। साथ ही में हम इसके ऊपर थोड़ी सी वनीला आइसक्रीम भी बची है वो भी हम इसके ऊपर डालेंगे। और इसके ऊपर हम चॉकलेट सिरप डालेंगे ताकि ये और भी टेस्टी लगे। अब हम बनाएंगे चॉकलेट कॉफ़ी, ओरियो बिस्किट वाली कॉफ़ी बनाएंगे ओरियो बिस्किट डाल के। उसके लिए हम ये चॉकलेट को पहले ग्रेट कर लेंगे। कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं आप, मैं डार्क कंपाउंड का भी कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे ग्रेट कर लिया, इस तरीके से आप इसे ग्रेट कर लीजिए। मैंने चॉकलेट ग्रेट किया था उसको इस तरीके से हम पलट के ग्लास में लगा लेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छा लगे देख के।
अब हम इस उसी जार में डालेंगे हम 1 टेबलस्पून चॉकलेट जो मैंने अभी शेक किया था, और ओरियो बिस्किट इस तरह का पैकेट आता है 10 रुपए का, उसे निकाल के मैंने बिस्किट निकाल के मैंने मिक्सर में उसे ग्राइंड कर लिया है, वो हम डालेंगे 3 टेबलस्पून, और इन सबको हम एक साथ मिक्सी में डाल के चला लेंगे। ये देखिए, अब मैं इस ग्लास में इसे पोर करूँगी, ऊपर जो झाग बना है वो भी मैं इसे ग्लास में निकाल के डालूँगी। और साथ में जो मैंने चॉकलेट ग्रेट किया था वो भी ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी। बन गई हमारी चॉकलेट ओरियो कॉफ़ी। ये हमारी कोल्ड कॉफ़ी बिल्कुल बनके तैयार है। ये चॉकलेट ओरियो कॉफ़ी, नॉर्मल आइसक्रीम, कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम, एंड ये नॉर्मल कोल्ड कॉफ़ी। इसे देख के कोई नहीं कह सकता कि ये घर में बनी हुई है। ये बिल्कुल महंगे रेस्टोरेंट कॉफ़ी कैफ़े शॉप में जो मिलती है बिल्कुल वैसी ही कॉफ़ी देख के लग रही है। इसे एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।